हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए नॉवल की तो ये एक रोमांटिक नॉवल होने वाली है, और इसकी बात करें तो भाई ये जो नॉवल है ना, ये एक थोड़ी वो चुटबुली टाइप वो चाइल्डिश लव स्टोरी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों कहा ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। पहले मैं आप लोगों को स्टोरी की जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देती हूँ, और जो लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टोरी का नाम है वो है बाउंड टू हिम, ऑथर जो है वो है सनशाइन। ठीक है, और इसकी जो रेटिंग है वो है 4.4, और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है शुभांगी और आदित्य मित्तल। ठीक है, अच्छा, शुभांगी को इसमें शुभी करके बोला जाता है और आदित्य को आदि भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके टोटल चैप्टर्स जो हैं अभी तक आए हैं वो हैं 141, और जो अभी तक मैंने रीड किए हैं वो हैं 50+। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बताती हूँ कि इसके इंट्रो में जो है वो क्या दिखाया गया है। तो इसके इंट्रो में जो है वो ये दिखाया गया है कि जो हमारी शुभांगी हैं वो एक मस्त मौला नटखट चुलबुली सी लड़की हैं। ठीक है, बट 5 साल पहले हुए हादसे में उन्होंने अपने जो पेरेंट्स को खो दिया था। ठीक है, उनके एक्सीडेंट उनका जो है वो एक्सीडेंट हो गया था, और उस समय अनीता और संजीव मित्तल ने जो है शुभी को संभाला था। ठीक है, उन्होंने ही उसकी केयर की, बट अब जो अनीता जी हैं उन्होंने शुभी से कुछ ऐसा मांग लिया जिसके चलते जो है उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मतलब ये कहते हैं ना कि एहसान का वास्ता देके उन्होंने उनसे जो है एक चीज़ मांग ली। उन्होंने ये बोला कि तुम्हें जो है मेरे पोते यानी आदित्य मित्तल से जो है वो शादी करनी पड़ेगी, ये वाला सीन था। अब भाई आदित्य को इस बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, जब आदित्य को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। और बात की जाए शुभी की, तो इंट्रो में ये बताया गया है कि वो उन्हें पसंद करने लग जाती हैं, और इसी चीज़ के और ये भी सोच लेते हैं कि भाई अगर एहसान की बात है तो चलो एहसान का बदला चुका दिया जाता है। तो वो उनसे प्रॉमिस भी करती हैं कि हाँ वो उनका ज़िंदगी भर जो है वो साथ निभाएंगी और उनसे शादी भी करेंगी। ठीक है, इंट्रो कुछ इस तरीके का है, बट अभी आदित्य को इसके बारे में नहीं पता है और किस तरीके से जो है वो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ जब मिलेंगी तो क्या होगा। अच्छा, हम आदित्य की बात कर लेते हैं तो वो एक बिजनेसमैन है। ठीक है, और हाँ इसमें रॉयल लाइफ की बहुत कमी है, तो आप लोग ये मत सोचना, बहुत बेसिक सी सिंपल सी स्टोरी है। ठीक है, बिजनेसमैन तो है, बट वो जो एक हम अलग लेवल देखते हैं ना वो वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। अब आप लोग खुद देख लेना अलग सी लाइफ क्या मैं बोल रही हूँ। मतलब कि भाई वही ना, वो बॉडी गार्ड्स, गन्स और वो सिक्योरिटी, और वो बहुत अलग ही पावर वाला इंसान, समझ गए ना आप लोग, वही वाला सीन वो यहाँ पर थोड़ा नहीं है। ठीक है, अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि भाई इसके साथ क्या सीन है आदित्य के साथ। अब भाई देखो, आदित्य की अगर बात की जाए ना तो भाई वो भी एक ना, मतलब वो अलग थलग किस्म के इंसान है। मतलब वो ना गुस्सा तो है उनमें बहुत ज़्यादा, बट वो अलग रहते हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते जो है वो शादी वादी नहीं करना चाहते हैं, वो इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, अब इनकी दादी जो है वो इनको दो ऑप्शन देती हैं, या तो तुम अपने दादा की पसंद से शादी कर लो या अपनी दादी की पसंद से। तो वो क्या करते हैं भाई, दादा की पसंद तो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो अपने, मतलब जो उनके दादा हैं वो अपने दोस्त की बेटी के साथ जो है वो उनकी शादी करना चाहते हैं, बट वो उन्हें पसंद नहीं करते। तो वो अपनी दादी को बोल देते हैं चलो भाई ठीक है, अब दादी की पसंद से जो है वो शादी करते हैं। अब दादी की पसंद जो है वो शुभांगी है। ठीक है, अब उनसे जो है भाई देखो, मतलब वो एक ही घर में रह रहे हैं, उन्हें पता वता नहीं है। वो डायरेक्ट उनसे मंडप में मिलते हैं, मंडप में ही उनका जो है हम फर्स्ट टाइम उनको देखते हैं कि भाई कैसी हैं और कैसी नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है इसमें, मैंने आप लोगों को क्यों बोला वो चाइल्डिश वाली चीज़, क्योंकि ना इसमें आप लोग खुद देखोगे ना 8 या 9 साल का गैप है इन दोनों के बीच में। ठीक है, और इसी चीज़ के चलते क्या है, हमारी जो शुभांगी है ना उनको कुछ भी नहीं पता है, जिसे कहते हैं ना कुछ भी, मतलब वो कभी ये कह लो कि अपनी चार दीवारी से जो है वो बाहर नहीं निकली। वो बहुत ज़्यादा भोली भाली हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप लोग जो है सॉरी उनके सवाल सुनोगे ना तो आप लोगों को खुद को भी हंसी आएगी, भाई ये क्या पूछ रही है, क्या बोल रही है। मतलब इतना ज़्यादा बचपन है ना उनके अंदर, आप लोग स्टोरी रीड करोगे ना आप लोगों को पता चल जाएगा, बट सच में आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ऐसी वाली स्टोरी है, बहुत अच्छी है, और जिस तरीके से जो है आफ्टर मैरिज इनकी लाइफ जो है वो चलती है, और किस तरीके से जो है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और इनका रिलेशनशिप जो है सॉरी क्या वो ट्रैक पर आता है और नहीं आता है, और इस बीच में कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं। ठीक है,
तो ये वाली चीज़ तो है ही है। अच्छा, इसके साथ हमारे जो हीरो हैं उनके फ्रेंड की भी लाइफ जो है वो दिखाई जाती है, उनका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और साथ में अभी तो इसमें इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आने बाकी है, मतलब हमारे हीरो की जो लाइफ है अभी हीरोइन के सामने प्रॉपर तरीके से जो है वो खुली भी नहीं है, ठीक है। तो ये सीन भी है, बट काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर ही हैं। और अभी तो विलन्स की एंट्री होना शुरू हुई है भाई, 50 एपिसोड तक। अभी तो हमारे हीरो हीरोइन जो है वो अच्छे तरीके से एक साथ चल रहे थे, अब आगे देखना भाई क्या चीज़ें होती हैं। अभी ना उनकी बुआ की एंट्री हुई है जो कि इनकी लाइफ में जो है वो तबाही लाने वाली है। उफ़, अगर ये तबाही वाला सीन होता है ना तो सच बताऊँ इसके आगे ना मैं पढ़ना बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, ठीक है। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना इतनी सारी स्टोरीज पढ़ चुकी हूँ और इतने सारे ट्रैक्स देख चुकी हूँ कि मुझे अब नहीं देखना कि हमारे हीरो हीरोइन जो है वो अलग हो रहे हैं, ठीक है। इस वजह से जो है ना मैं स्किप कर देती हूँ। यही वाली चीज़ है कि अभी तक मैंने सोचा कि भाई 50 मैंने इसके पढ़ लिए हैं, अब मुझे पता चल गया आगे चल के जो है वो ख़तरनाक सीन आने वाले हैं, यानी कि घर की घर में जो है वो घर का भेदी लंका ढाई टाइप्स होने वाला है। तो इस वजह से जो है मैंने वहाँ पर ही अभी स्टोरी को जो है वो छोड़ रखा है, ठीक है। वो बात अलग है, बाद में अगर मेरा मूड हुआ तो वापस से मैं इसको रीड करना स्टार्ट कर दूंगी। बट वो ये यार, आप लोग मुझे इतनी सारी नॉवेल्स बोलते हो कि भाई मैं क्या बोलूँ, अगर एक पैर ही रहूँगी ना तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से जो है अभी फ़िलहाल मुझे स्किप करना पड़ता है नॉवेल्स को, आगे आगे शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी नॉवल देखो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, एक बार जाके रीड ज़रूर करना, सच में बहुत ही अच्छी है। आप लोग डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि वो जो वो चाइल्डिश वाला नटखटपन है ना इसमें, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, और जिस तरीके से फिर जो है हमारे हीरो हमारी हीरोइन को हैंडल करते हैं वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आप लोग को हंसी ना आए ना, एंटरटेन ना हो, तो आप लोग स्टोरी को छोड़ देना। हालांकि स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा लगेगा अजीब सा, बट बाद में बहुत सही तरीके से जो है वो स्टोरी जाएगी आगे, ठीक है। एक दो जब इसके मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर्स मैं रीड कर रही थी ना, तो मेरे को लगा था नहीं यार इतनी खास नहीं है, बट आगे चल के जब इसको मैंने पूरा मतलब यहाँ तक मैं पहुँची तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई नहीं, स्टोरी बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगा, बट आगे चल के जो है वो एकदम सही चीज़ आ गई, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम इसके टैग्स की। तो इसमें आप लोगों को जो है वो देखो रिवेंज भी होगा, एक्शन भी है, ठीक है, और इसमें जो है वो मतलब रोमांस भी है, और दूसरी चीज़ क्या है, फ्रेंडशिप, बिजनेस वाली साइड, और अभी तो इसमें बहुत सारी मिस्ट्री भी है। यानी मतलब दोनों की लाइफ के ना, मतलब ये कह सकते हैं अभी आदित्य के साथ ही बहुत बड़े सीन है, मतलब हमारे हीरो के साथ ही। अभी हीरोइन का तो चलो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बट हाँ किस तरीके से जो है वो उनका साथ देंगी और क्या ये चीज़ें जो है वो पॉजिटिव चल के जाएंगी, या फिर बीच में जो है कुछ वो कहते नहीं है कि भाई पत्थर आ जाएंगे, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो आप लोग, कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने नॉवल को जो है वो रीड कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो जाके एक बार ज़रूर करना, और जो आप करने जा रहे हैं और करके आएंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों का क्या ओपिनियन था नॉवल को लेके, कैसी लगी आप लोगों को नॉवल। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को नॉवल प्लस मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आप फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक के फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।